हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेलेट की काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी है और फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हो भी चुकी है। और जैसे ही फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हुई है, कल अलॉटमेंट रिजल्ट आया, उसके बाद से आप सभी लोग मेरी सारी वीडियोज़ के नीचे आप एक कमेंट जरूर कर रहे हैं कि सर ये 10,000 का पेमेंट कब करनी होती है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस बहुत छोटी सी वीडियो ये, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए, अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हम शेड्यूल दिखा दें। सबसे पहले तो 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में जिनकी भी रैंक 1 रैंक से 20,000 रैंक तक थी, उनका जो है यहां पर काउंसलिंग हो चुकी है और कल जो इसका अलॉटमेंट रिजल्ट भी आ चुका है। हम आप लोगों को भी बता रहे हैं कि आपको 10,000 का पेमेंट कब करना है। दूसरी जिनकी भी रैंक 20,000 से 50,000 तक है, उनकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और 10 तारीख तक इनकी जो है यहां पर काउंसलिंग होगी और 11 अगस्त को आपको भी अलॉटमेंट मिल जाएगा। अलॉटमेंट में यह मिलेगा कि कौन सी कॉलेज आपको मनपसंद, कौन सा कॉलेज मिला है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले नंबर पर आप वही कॉलेज चूज करते हैं जिस कॉलेज में आपको जाने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है, एडमिशन लेने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है। ठीक है, वहीं पर जो है 11 से 16 तारीख तक 50,000 से लेकर के 1,17,107 रैंक तक जो छात्र हैं उन लोगों का जो है यहां पर काउंसलिंग होगी और 17 अगस्त को इनको अलॉटमेंट रिजल्ट मिल जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो सवाल है लोगों का वो है 10,000 रुपए को लेकर के, चाहे आप पहले फेज में हो, चाहे दूसरे फेज में, चाहे तीसरे फेज में। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा या सरकारी कॉलेज में मिलेगा, डायरेक्ट में मिलेगा, आपको जो है 10,000 रुपए पेमेंट करना होगा और तभी आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपका निकलेगा। ये वाला अलॉटमेंट रिजल्ट है तभी आपको निकलेगा। तो आपको ये पेमेंट 10,000 रुपए का कब करना है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको ये 10,000 रुपए का जो पेमेंट है वो आपको करना है 11 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में, आपको जो है यहां पर पेमेंट आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अभिलेखीय जांच या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि है 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। यहां पर नीचे बहुत सारी चीजें लिखी गई और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉक करने की अंतिम तिथि नोट, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉक नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसको आपको लॉक करवाना होगा। समझ में आ गई बात? यहां पर और नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इनको भी हम बता दें। यहां लिखा है कि वेबसाइट पर प्रदेश के जिला शिक्षा, ये सब तो चीज़ आप लोग तो कर ही लेंगे, मेन चीज़ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प प्राथमिकता के आधार पर चयन करेंगे। अभ्यर्थी अधिक से अधिक संस्थानों का विकल्प भरें, उनके विकल्प उनके वरीयता क्रम में चुने सकते हैं जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवेदन किया जा सके। अभ्यर्थी द्वारा कम संख्या में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प देने पर यह संभावना है कि उन्हें मेरिट के सापेक्ष चुने गए विकल्पों में से किसी भी प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन ना हो, अतः अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण संस्थान चुने। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थी आप सभी लोगों के लिए। लोग गलतियां क्या करते हैं कि एक से दो कॉलेज चूज कर लेते हैं और उसके बाद में फिर उसको छोड़ देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं होता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग कॉलेज को चूज करेंगे जिनका अभी भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण है तो आवंटित संस्था में अभिलेखीय जांच या प्रवेश की कार्यवाही के लिए आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को 10,000 रुपए का भुगतान वेबसाइट पर दिए गए जो है SBI MOPS लिंक द्वारा करना होगा। यानी कि जब आप अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड कर रहे होंगे उसी वक्त आपको ये 10,000 रुपए दे दिया जाएगा, मतलब आपको करना होगा। तो आप जो है यहां से 11 तारीख से 22 तारीख के बीच में आप लोग जो है, हालांकि पेमेंट अगर हो रहा है तो अभी भी आप कर सकते हैं पेमेंट को, लेकिन 11 से 22 के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्ट कर देना है अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। समझ में आ गई बात? यानी कि आपका 10,000 पेमेंट तभी होगा जब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चीजें हमने आपको बता दिया है। तो ये चीजें मुझे लग रहा है आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो चुके होंगे। और उसके बाद में जब आप अलॉटमेंट रिजल्ट को आप जब यहां पर डाउनलोड कर लेंगे, 10,000 रुपए पेमेंट कर देंगे, कॉलेज लॉक हो जाएगा, फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जो है आप जाइए, वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपका एडमिशन की प्रक्रियाएं वहां पर कंप्लीट हो जाएंगी और जो भी फीस वगैरह है वो सब आप सबमिट कर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। बाकी जिनका भी डायट है वो भी अपने डायट में जाकर और वहां पर अपनी जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको वो पूरा कर लेंगे। अगर मैंने तो फिलहाल इस वीडियो में सारी चीजें आपके डाउट क्लियर कर दिया है। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है, किसी भी चीज से रिलेटेड समस्या है, तो आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट में थोड़ा रिप्लाई के चांसेस कम होते हैं, यह है कि अगर आप इंस्टा पर फॉलो करके वहां पर आप पूछेंगे तो आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो फिलहाल ये रही आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और अगर आप डेलेट कर रहे हो तो आप लोग पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।